और नरेंद्र मोदी जी ये नजारा देख ले कि अब ईवीएम इस देश में बचेगा नहीं, अब ईवीएम का क्रियाकर्म होना तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता, ना तो ब्राह्मण रोक सकता है और ना ही ब्रह्मा रोक सकता है, अब इसको कोई नहीं रोक सकता, इसका क्रियाकर्म तय। साथियों, छुपने नहीं देंगे भाई, उधर भीड़ बहुत है, आवाज बहुत है, मैं लोगों से किनारे में बात कर रहा हूँ। जंतर मंतर है दिल्ली का, आज वामन मेश्राम के ऐलान के बाद दिल्ली में एक बड़ी भीड़ भारत के कोने कोने से आ चुकी है। आपको पता है कितना मोर्चा उनका, युवा मोर्चा, मुक्ति मोर्चा, स्टूडेंट मोर्चा, मुस्लिम मोर्चा, किसान मोर्चा, ना जाने आज मोर्चा ने मिलकर एक मोर्चा खोल दिया है। ईवीएम हटाना है, देश को बचाना है, लोकतंत्र बचाना, ये नारे हैं इनके। और ये भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन मुक्ति, भारत मुक्ति पार्टी, जो पार्टी भी उनकी है, वो तमाम आज खड़े हैं और मार्च भी करेंगे इन लोग चुनाव आयोग के मुख्य दफ्तर पर, यानी इलेक्शन कमीशन का जो मेन कार्यालय है दिल्ली का, वहां इन लोग अभी जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो यहाँ तकरीर भाषण उधर चल रहा है, मंच पीछे है, भीड़ में आपको विजुअल में दिखा रहा हूँ। ये सारे लोग हैं जो अपना जीवन लगा चुके हैं। आप कहाँ से हैं? मैं बाराबंकी यूपी से हूँ। बाराबंकी से हैं, योगी जी के राज से? जी। वहाँ तो सब मजे में है, आप क्यों आ गए? कहने के लिए मजे में है लेकिन वास्तव में राम राज है। कहने के लिए तो राम राज है, ठीक है, लेकिन वहाँ अंदर में सिर्फ रोड पे राम राज है। रोड जो हाईवे है, हाईवे के ऊपर जो है वो बैनर में दिखता है राम राज, लेकिन वास्तव में राम राज नहीं है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो यूपी सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, बिल्कुल दलित विरोधी है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही विरोध के काम किए हैं। जो बच्चे आज गरीब बच्चों को जो RTI के तहत उनको स्कूल की शिक्षा मुफ्त में दी जाती थी, उनको ये सरकार जो है वहाँ की, उसने क्या किया, पहले 12 तक संविधान के तहत अधिकार था, उसको 8 तक कर दिया, अब 8 को हटा करके उसको सिर्फ 5 तक कर दिया, क्योंकि शिक्षा एक सिरने का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा मिल तो रहा है, शिक्षा कहाँ मिल रहा है? शिक्षा में सब लूट घसोट हो गया, शिक्षा महंगी हो रही है, हर चीज में तो महंगाई आ रही है, गरीब बच्चा कहाँ से पढ़ पाएगा? आप कैसे हिंदू है जो योगी जी के खिलाफ बोलते हैं, समझ लीजिए। मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं, मैं मूल निवासी हूँ, इस देश का मूल निवासी हूँ। हिंदू तो एक हिंदू तो कुछ लोगों ने हमको उल्टा सीधा शब्द कह करके पुकारा है कि ये हिंदू, जब ब्राह्मण से पूछा था तो ब्राह्मण कहते हैं मैं यहाँ के सनातन धर्म को मानता हूँ, हिंदू नहीं हूँ। तो फिर हमें हिंदू को कहा गया, हम हिंदू देख बोल करके हमें गाली दी जा रही है, हम हिंदू नहीं है, हम इस देश के मूल निवासी है। हमें असली प्रश्न पर, ईवीएम पे आपको शक है क्या? बिल्कुल शक है, ईवीएम पे बिल्कुल शक है। अच्छा, मशीन है, बटन दबाओ वोट हो गया, यकीन है? ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। बटन दबाना मशीन, बटन तो कहीं भी दबा दो गोली भी चल जाती है, ये कोई गोली से कम नहीं है। ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या है, ये गोली के समान है, हमारे अंदरूनी तरीके से हमें गोली की तरह चलने किया जा रहा है। इतने दिन से आप लोग वोट डाल रहे हैं, आपको लगता है कि वोट हम किसी और को डालते हैं, चला कहीं और कहीं चला जाता है, कहीं वोट डालते हैं और कहीं चला जाता है। हम दिल्ली किराड़ी विधानसभा से आए हुए हैं, हम इंडिया पे विश्वास नहीं है, नहीं है। अच्छा, ये बताइए, ईवीएम को लेकर इतनी बातें हो रही है, क्या वाकई कोई प्रमाण है इसका? हाँ सर, बिल्कुल प्रमाण है। प्रमाण इसलिए है कि ईवीएम की जो मशीन साथ में वीवीपैट मशीन लगी है, उसमें पर्ची दिखती किसी और की है और कटती किसी और की है, अंदर खाते उसमें बहुत कुछ गालमेल होता है, और ईवीएम झोल है उसमें, पूरा झोल है। और ये आधुनिक मनुस्मृति है, मनुस्मृति का मतलब लोग समझते नहीं है। 8 घंटे की ड्यूटी देना 12 घंटे ड्यूटी हो गई है, तनख्वाह जो है 8 घंटे की ड्यूटी 12 घंटे की, यही मनुस्मृति है। आने वाले समय में देश बढ़ रहा, उधर मनुस्मृति की तरफ बढ़ नहीं रहा, बढ़ गया है सर। अगर ईवीएम रही तो आने वाले समय में जिस तरह से पुतिन रूस में राज चला रहा है, उसी तरह से इंडिया में भी चलेगा। ईवीएम के द्वारा मनुस्मृति लाया जाएगा, ये आपका आ गई है सर। जब तक ईवीएम है तब तक समझ लो मनुस्मृति है। जो राम राज कहा जा रहा है, दरअसल ईवीएम राज, ईवीएम का ही राज है सर। ये मनुस्मृति जो कही जा रही है तो वाकई में लागू हो चुकी है। शरद पवार का भी फोटो आप लगाए हुए हैं, आ रहे हैं क्या? शरद पवार हमारे नेता है, आएंगे, बिल्कुल आएंगे सर, समर्थन है उनका। समर्थन दिया इन्होंने? जी सर, बिल्कुल दिया है। आज के इस आंदोलन में, कल भी हमको खबर मिली थी कि NCP प्रमुख शरद पवार से वामन मेश्राम जी की मुलाकात हुई और शरद पवार जी ने समर्थन का ऐलान किया। हो सकता है आज इस कार्यक्रम में वो आए भी, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं, लेकिन समर्थन का ऐलान कर दिया। कहाँ से आया? मैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले से चलकर आया हूँ। भिंड? हाँ। मुरैना? हाँ। अच्छा, छोड़िएगा नहीं ईवीएम हटा? अरे हटा के छोड़ेंगे। क्या ईवीएम से क्या दिक्कत है, क्या परेशानी? ईवीएम से प्रत्येक बूथ पे चोरी होती है, वोट की चोर दिखता नहीं है और चोरी होती है। जिस तरह से अपन बैंक का अकाउंट मोबाइल से लिंक होता है और 4 अंक की OTP बताने के बाद खाता साफ हो जाता है, उस हिसाब से वोट को ट्रांसफर किया जाता है।
पक्का पक्का 8 अक्टूबर 2013 का, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी दिया गया है कि ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये जो बता रहे हैं उसका जजमेंट की कॉपी भी लोग लेके आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि ईवीएम से फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, मतलब पारदर्शी चुनाव संभव नहीं है, ये एक जजमेंट ऐसा आया था। हाँ हाँ, तो उसके बाद भी सरकार अड़ी हुई है। सरकार अड़ी इसलिए है कि यहाँ पर ब्राह्मणों का नाजायज कब्जा ईवीएम द्वारा किया गया है सत्ता के चारों पिलरों पर। आप नाजायज कहते हो, वो तो कहते हैं जायज कब्जा। अरे जायज नहीं है, नाजायज है। जनता वोट दे रही है, जनता नहीं दे रही, मशीन दे रही है उनको वोट, मशीन दे रही है, ईवीएम मशीन वोट दे रही है। मोदी जी कह रहे हैं सब कुछ चंगा है, सब वोट में। अरे उनके कहने से चंगा नहीं है, रामराज आ गया, देश को नंगा कर दिया, उनके चंगा नहीं है। हर चीज देखे मजे में चल रहा है, तरक्की हो रही है, कहीं नहीं हो रही तरक्की, पूरी दुनिया में डंका बज रहा। अरे कहीं नहीं बज रहा, ये उनके कहने से, उनके कहने से नहीं बजता डंका। मैं पंजाब से इस्लाम धर्म का हूँ, और जो पंजाब से हूँ मैं अमृतसर से, मैं अपने मुसलमान भाइयों को इस्लाम धर्म के जो लोग उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लोग मनुवादी लोग हैं, मनुस्मृति लेकर हमारे पर जाति थोपकर, जो जो जिसका जो कारोबार है चम्मच लेने का, जुत्ती गाड़ने का, वो लोग बोलते हैं कि ये लोग इन्हीं पर ही सीमित होकर रह जाए। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, उन्होंने हमें हमारे को मनुष्यता और इंसानियत के सभी हक अधिकार संविधान में दिए हैं। जाति प्रथा है जो उन्होंने वो खत्म कर, ये जो मोदी लोग हैं, जो मनुस्मृति लोग हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे इस्लाम धर्म को भी नीचे दबाना चाहते हैं। लीजिए साहब, लीजिए अब ये भी सुन लीजिए, इनको इनका आरोप है कि इस्लाम पर भी दबाव है या उसको भी मिटाना चाहते हैं। 350 मस्जिदें जो मुसलमानों की हैं वो इनके टारगेट पे हैं, जबकि इनके मंदिरों के नीचे बहुत बिहार निकल रहे हैं। ये मुसलमानों को जो है बौद्धिस्ट कहाँ है, बौद्धिस्ट अभी कर दिए, पीएम मोदी के ऊपर लीगल नोटिस भेजा गया सोमनाथ मंदिर के ऊपर, जिसमें 3 मंजिला नीचे बौद्ध बिहार है। प्रोफेसर विलास खरात ने उनके ऊपर लीगल नोटिस भेजा है, पीएम मोदी जो है कोई किस मंदिर का, सोमनाथ मंदिर का। अच्छा, और पीएम नरेंद्र मोदी उसके ट्रस्टी हैं, उनके ऊपर लीगल नोटिस भेजा गया सुप्रीम कोर्ट से। सब लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, आप खाली लीगल नोटिस के चक्कर में, बौद्धिस्ट लड़ नहीं रहे हैं। आप ये बताइए, आप बार बार भ्रमण कर रहे हैं गाँव में, आप लोग जब वोट होता है तो आप लोग तो खुद ही उसी पक्ष में जाकर वोट डालते? अरे नहीं डालते, हम अपने पक्ष में डालते हैं लेकिन मशीन में देते हैं वोट। अब्दुल का नट टाइट कर रहे हैं मोदी जी। अरे वो नहीं, वो तो मतलब मशीन से हो रहा है सब कुछ, मशीन से चोरी होती है। जो कुछ देश में हो रहा है उससे आप खुश रहे? नहीं खुश हैं, एकदम नहीं, नहीं। आपको लग रहा बदलाव जरूरी है? बदलाव जरूरी है। कैसा बदलाव? बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। हो गया, हाँ लीजिए हो गया। हाँ तो किसको वोट दीजिएगा? वोट देंगे फिर अपनी बीएमपी पार्टी को। बीएमपी पार्टी को वोट देके जीता लीजिएगा, कितने कार्यकर्ता? अरे जीतेंगे, मान लो अर्जय के कार्यकर्ता है पूरे देश में, 31 राज्यों में। लोग तो कहता है कि बीएमपी पार्टी है, जहाँ जहाँ लड़ेगी जैसे ओवैसी को कहता है वैसे इनको कहता है, और भाजपा का फायदा हो जाएगा। अरे नहीं होगा फायदा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, हर जगह नहीं जीतेगा। तो मुरैना भिंड में जीतने की पोजीशन में? हाँ पोजीशन में है, संख्या उतनी? हाँ संख्या पूरी संख्या है। एक धारणा है SC ST में कि ब्राह्मणवादी, जिसे आप मनुवादी कहते हैं, जिसे आप बार बार अभी बात आ रही है मनुस्मृति की, ये एक सोच है जिससे सीधी सीधी लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई में बाधा इन लोगों का ये मानना है कि ईवीएम है, चूंकि हमारी ताकत वहाँ सीमित हो जाती है और वोट हमारी चोरी हो जाती है। इनका चोरी हो जाती है, वोट चोरी होता है, वोट चोरी हो जाती है। ये आरोप है इनका कि वोट चोरी हो जाती है, जिससे लोकतंत्र में जो हमारी ताकत होनी चाहिए वो दिख नहीं पाती है, और फिर मेरा अधिकार छीना जाता है जबरन। बहरहाल अभी और लोगों से बात करा रहा हूँ, जबरदस्ती छीने जा रही है, जबरदस्ती ही कहेंगे जो भी कहेंगे, बहरहाल ये चल रहा है। लेकिन और लोगों से बात कराऊंगा, अभी बहुत लोगों से बात कराऊंगा, बहुत नई नई बात सुनने को मिलेगी। मैं फिर लास्ट में बोलता हूँ कि जो हम इस्लाम को मानने वाले हैं, मैं एक पंजाब से गरीब मुसलमान हूँ, मैं फिर भी कहता हूँ कि जो हमारे इस्लाम मुसलमान भाई इन लोगों को अंबेडकर को पढ़ना भी थोड़ा सा जरूरी है, जैसे हम मस्जिदों में जाते हैं कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो हमारे लिए सही है। हो सकता है कि अंबेडकर को पढ़ेंगे तो हमारे को आने वाले समय में हमारी जो पूर्वजों के अनुसार नई पीढ़ी जो अलग से एक बीतेगी, हमारे को नौकरी हक अधिकार है, जो हम जो प्रशासन है जो मतलब है वो हमारे को मिल सकेंगे, जो हमारे प्राइवेट काम को हम लोगों ने इनको थोप के रखा है। बाबा साहब को पढ़ा हमने, मैंने कुछ बाबा साहब को पढ़ा तो मैं बहुत मतलब सही जिंदगी में पंजाब में जी रहा हूँ, और जो मेरे इस्लाम धर्म को जो गरीब मुसलमान है वो भी बहुत सही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ब्राह्मण का नेचुरल दोस्त कौन होगा, दलित या ब्राह्मण? दलित, बहुजन दलित इसका दोस्त होगा मुसलमान का, क्योंकि ब्राह्मण तो दलित को भी कहता हटा यार की
किनारे कर, वो अभी समझे नहीं ना, जिस दिन बाबा साहब को पढ़ जाएंगे उस दिन ये भी ही आ जाएंगे एक प्लेटफॉर्म पर कि हम भाई हमारे से गलती होगी, हमने इस्लाम धर्म के अनुसार हम बाबा साहब को नहीं पढ़ पाए तो ये हमारी गलती थी। चलो आज पढ़ जाते हैं तो हमारी जो बच्चे है पूर्व जो है, इस्लाम भी कहता है कि हमारे यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ भी मुसलमान जो है जो एससी कास्ट के लोग हैं जो एससी कैटेगरी में है उनसे जैसे हिंदू के ब्राह्मण मतलब जो व्यवहार करते हैं लगभग लगभग मुसलमानों के भी कुछ तबके वैसे ही सोचते हैं। उनको क्या कहेंगे? उनको ये कहेंगे कि हम जो अपने बहुजन समाज के लोग हैं, चाहे वो रविदासी कम्युनिटी के हैं, चाहे वो वाल्मीकि कम्युनिटी के हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के हैं, इन लोगों के साथ समर्थन बनाए, अपना बैन उठन बनाए, इन लोगों से फिर धीरे धीरे हम लोगों को थोड़ा सा साथ मिलेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही हम लोगों को साथ मिलेगा। सोशल अलायंस होना चाहिए इनसे, सामाजिक सामाजिक इनको इनसे सामाजिक आन पान शुरू करना चाहिए, होना चाहिए जो बतूत होना चाहिए। जो हमारे बाबा फरीद जी है पंजाब से, उन्होंने हमको यही सिखाया है कि इंसानियत है जो वो कोई भेदभाव नहीं सिखाता, इंसान से इंसान प्यार करे। हमारे कुरान शरीफ में भी यही बोला, और हमारे सबसे बड़े हैं बाबा फरीद जी पंजाब में, जिसका है फरीदकोट शहर। और हमारे बाबा फरीद जी जो है हमारे को यही मैसेज देते हैं, मैं चिश्ती खानदान से हूँ तो चलो फिर भी मैं मानता हूँ कि जो इस्लाम धर्म है इनमें भी कुछ बहुजन वाले ही प्रकार है। जिस दिन हम बाबा साहब को और ज्योतिबा फूले जी को पढ़ जाएंगे हम एक ही प्लेटफॉर्म पर आएंगे और अपने दिन भी बहुत सही बतीत करेंगे। हमारे छोटे बच्चे हो हमारे बुजुर्ग हो बहुत सही अपनी जिंदगी बिताएंगे, जो कि हमारे बुजुर्गों से पहले गलतियां हुई हैं उनको हम भूल जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि मैं थोड़े से समय में ही बहुजन को पढ़ पाया हूँ, बाबा साहब को पढ़ पाया तो मेरी जिंदगी सही हो गई है, मेरे माँ बाप मेरे बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं और थोड़ी सी कंडीशन भी बहुत सही हो गई है। 6-7 साल हो गए मैं इन लोगों से जुड़ा हूँ, अपने पंजाब में जितने भी मुसलमान भरा वा इन्होंने मैं जोड़िया और इन लोगों को मस्जिद और भी कई जगह पर बहुत मतलब सुकून मिलता है कि जब से बाबा साहब को हम लोगों ने पढ़ा है ना तो बहुत सही हो गए हैं। हमको नौकरी पेशा अधिकार चाहे हमारे बहुजन समाज ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला। एक सवाल करेंगे बस, आखिरी एक सवाल करें, एक सवाल आखिरी, किस जाति के आप हैं? मुसलमान? मैं मुसलमान तो हूँ, मैं गरीब जाति से हूँ लेकिन मैं मतलब है हूँ सिया। हाँ हाँ जी हाँ जी, ये जानना लोग उत्सुक होते हैं कि भाई ये भी जान लें क्योंकि जातिवाद हमारे यहाँ से खत्म उतम नहीं हुआ अभी। हाँ। साउथ इंडिया कहाँ? केरल।